तो लीजिए, आज मैं आया हूँ पंजाब के अमृतसर में और जहाँ पे इनके फेमस भाई साहब मीट वालों के पास आया हूँ। हाँ जी, पंचकुला देख लिया, कितने एहो जा स्वाद मटन मेनू नहीं तो मिले। तो पाजी सत्याकाल। सत्याकाल जी। तो पाजी मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब लोग शुरू करते हैं मीट खाने तब तक आपका माल ही खत्म हो जाता है। हाँ जी भैया। और कितने साल हो गए दुकान को? हमारी दुकान को 35 साल हो गए भैया। 35 साल हो गए। ठीक है, और क्या क्या होता है आपके पास? हमारे पास ओनली मटन करी होती है भैया। मटन करी होती है, मतलब उसी में धमाल मचा रखा। पहले यहाँ देखो जरा। हाँ जी, हाँ जी। भाई यहाँ ना खाने वालों का लगता है मेला, पहले ना सबसे पहले जो जरूरी चीज हो जाती है ना, नंबर ही नहीं लगते लोगों के। 10 साल से आ रहे हो आप? अंकल कह रहे हैं पीछे 10 साल से आ रहे हैं। तो पाजी कौन सा जादू किया हुआ लोगों पे आपने? ये कोई जादू नहीं है भैया, सिर्फ खाने का टेस्ट है। घर जैसी चीज बनती है, नॉर्मल सी बस। अच्छा जी, घर जैसा स्वाद दे रहे हो फिर भी लोग मतलब बिल्कुल नशा करा दिया आपने लोगों को। हाँ जी, हाँ जी भैया, आप देख ही सकते हो। बहुत बढ़िया जी, यहाँ देखे जरा, अब तो खत्म होने वाला है भैया, बस बिल्कुल निपटा दिया सारा मामला। हाँ जी भैया। कितने बजे दुकान खोलते हो? 12:30 बजे। 12:30 बजे कितने बजे होती है? 4 बजे। 4 बजे तक तो माल बचा ही नहीं, पहले निपटा देते हो। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। पहले आपको मैं बता दूं, इस समय मैं खड़ा हूँ अमृतसर के ना ये फेमस है जी भाई साहब मीट वाले, और इनसे थोड़ा सा रेट भी जानते हैं। तो पाजी रेट क्या होता है? रेट भैया आधी प्लेट 160 की है, पूरी 320 की है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो फिर हमें भी एक प्लेट खिला देना और टाइमिंग बता दी आपने, लोकेशन बता देना कोई यहाँ तक। लोकेशन भैया सुल्तानगंज गेट है, ये ऑपोजिट गोल्डन क्लॉथ मार्केट है। ठीक है, ये सामने देखेंगे गोल्डन क्लॉथ मार्केट है, उसी के सामने यहाँ पे है जी भाई साहब मीट वाले। आप ही बैठते हो? हाँ जी भैया, मैं बैठ। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल निपट चुका है जी इनका मामला। अंदर देखेंगे खाने वालों का, यहाँ पे भी मेला है जी। बाहर देखेंगे, बाहर भी खाने वालों का मेला है। भैया शटर उठाते ही भीड़ लग जाती है क्या? हाँ जी भैया। अरे बहुत बढ़िया जी, ये देखे जरा, एक प्लेट में कितने पीस देते हो? हाफ प्लेट में 3 है, फुल में 6 है। अच्छा, फुल में 6 आते हैं। हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भैया भी एंजॉय कर रहे हैं। तो भैया कितने टाइम से खा रहे हैं आप? 2 साल हो गए। ऐसा कौन सा जादू किया हुआ इन्होंने आप पे? नेचुरल टेस्ट है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। अच्छा जी, और आगे भैया आपको क्या खास लगता है? बढ़िया। और अंकल जी कैसा लगता है? देसी मजेदार। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमें पाजी मिले हैं, तो पाजी आए जी चंडीगढ़ से। तो पाजी चंडीगढ़ से खाने आते हो यहाँ पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। शनिवार होना जी, मैं एयरपोर्ट से वकील हां। अच्छा, शुक्रवार शनिवार वापसी होती है मेरी, दोपहर का लंच मेरे इत्थे हुंदा है। अच्छा जी, बहुत स्वाद है जी इन्हां दा। मैं चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला देख लिया, कितने एहो जा स्वाद मटन मेनू नहीं कितों मिलया जी। अच्छा, मतलब ऐसा कौन सा जादू कर दिया इन्होंने आपने? जादू बाजी स्वाद है जी इन्हां दा, जो घर दा स्वाद है। अच्छा जी, बाहर रहिंदा वा तो घर दा स्वाद हमेशा वेखी जा, घर दा स्वाद इत्थे मिलदा सानू। बहुत बढ़िया जी, यहां पे जो है ना, बिल्कुल जी, ये जो है ना इसका अलग ही मतलब एक स्वाद है। मतलब तुम भी देखिए, अलग मतलब है। वो काफी लाजवाब है। इसके साथ में भैया क्या क्या देते हो? साथ में कुलचा होता है और फुल्का होता है घर वाला, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। या भी। बहुत बढ़िया जी। और रोटी कुलचे का प्राइस क्या होता है? वो 20 के 3 है भैया। चाप का पीस होगा? हाँ जी, हाँ जी। लो भैया चाप का पीस लो, ये देखो जी। ठीक है जी, हाँ जी। यहाँ पे लगी है प्लेट, अब लेते हैं जी साथ में कुलचा और आपको टेस्ट करके बताएंगे कि टेस्ट कैसा होने वाला है। फाइनली अब टेस्टिंग की बारी आ चुकी है, मैंने लगवा लिया मीट। पहले आपको क्लोज लुक दिखाते हैं जी जरा, आप ये देखे जरा। ओहो, ये आ गया जी हमारा मीट। ये हाफ प्लेट लिया है जिसमें 3 पीसेस मिले हैं, इसके साथ में रोटी का भी ऑप्शन होता है, कुलचे का भी ऑप्शन होता है। हमने लिया जी कुलचा, अब पहले बाइट लूँगा और आपको टेस्ट करके बताऊँगा कि टेस्ट कैसा होने वाला है। और इस टाइम ना मतलब खाने वालों की ना काफ़ी भीड़ है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। ये देखिए जरा, छोटा सा पीस लिया, साथ में लगाई जी ग्रेवी। कुलचे के साथ मैंने क्यों लिया कि कुलचा ना ग्रेवी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेता है, खाने में थोड़ा सा स्वाद बढ़ा देगा। अब इसकी बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट। काफ़ी नरम पीसेज है, खाने में मज़ा आ रहा है, एकदम देसी तड़का लगा हुआ है। आप ये चेक करें जरा, एकदम देसी है। और ये देखिए जी, ये आ गया जी चाप का पीस, बहुत लाजवाब। और साथ में इसकी ग्रेवी, ग्रेवी खाने में भी अपना एक अलग मज़ा है। हाँ, बहुत स्वाद है, बहुत मज़ेदार है, हाईली रिकमेंडेड प्लेस है। आप रहते हो पंजाब अमृतसर में और आपको चाहिए एकदम देसी स्टाइल मटन खाना है आपने, तो आप आएँगे भाई साहब मीट वाले, गूगल मैप पे सर्च करें, यहाँ पे आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो आप भी आओगे तो एक बार एंजॉय करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा टेस्ट। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।